हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का मेरी एक और एक नई ब्रांड न्यू वीडियो के अंदर। और आज की वीडियो होने वाली है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं पहली चीज़ बता दूं कि जो वीडियो होने वाली है स्पेशली उन लोगों के लिए होने वाली है जिनको पोकेमॉन के बारे में कुछ भी नहीं पता। मतलब सिर्फ इतना पता है कि एक ऐश है और एक पिकाचू है और कुछ नहीं पता, और इधर उधर जाते होते हैं और क्या करते कुछ नहीं पता। तो जो कि बिल्कुल बिगनर है, उनको पोकेमॉन में इंटरेस्ट तो है लेकिन उनको पता नहीं होता कि है क्या, और शुरू से देखने का टाइम नहीं है, या फिर उनको मतलब समझ नहीं आते पोकेमॉन फैक्ट्स वगैरह जो भी वीडियोस होती हैं पोकेमॉन गेम्स से रहती है, क्योंकि उनको स्टोरी नहीं पता। फॉर एग्जांपल, अगर ये एक सर्कल हो, एक सर्कल है, अगर उसके बारे उसको उसके बारे में पता ही नहीं है सर्कल है, तो फिर तुम्हें स्टोरी उसकी कैसे पता चलेगी। तो यही बात है। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं तुम्हें सब कुछ बता देने वाला हूँ पोकेमॉन के बारे में। अब तुम सोचो कि 3 घंटे की वीडियो होगी, भाई कौन देगा, 3 घंटे वाली नहीं होने वाली, 10 से 15 मिनट के अंदर मैं कोशिश करूँगा। थोड़ी सी लंबी ज़रूर होगी, 15-20 मिनट की, क्योंकि तुम रोज इसको 5-5 मिनट भी देखोगे, या फिर एक बार ये पूरी देख लोगे, या 1x की स्पीड के अंदर देखोगे, 1.5x की स्पीड में तुम्हारे को समझ आ जाएगा सारी वीडियो, ठीक है। 2x या 1.5x देख लेंगे, मैं वीडियो एडजस्ट करके समझ आ जाएगा, और बिल्कुल अच्छे से समझाने वाला हूँ। और जो भी मेन बेसिक चीज़ें होंगी ना समझने के लिए स्टोरी की, वही सब बताने वाला हूँ, ठीक है। तो चलो आज की इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। लाइक कर देना वीडियो को, और हाँ चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो चलो आज की इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं, और 25 की जल्दी से करवा दो, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आती है बात की पोकेमॉन क्या चीज़ है, ठीक है। तो तुम्हारे को पता है ऐश और पिकाचू हैं, ठीक है, दो मेन करेक्टर्स हैं इस चीज़ के। अब पोकेमॉन क्या है, पोकेमॉन का पहले नाम पॉकेट मॉन्स्टर्स था, ये एक जैपनीज एनिमे है। अब तुम कहोगे एनिमे क्या है, इसका मेरे को ज़्यादा नहीं बताने वाला है, थोड़ा सा आराम से मतलब शॉर्ट के अंदर बताता हूँ। एनिमे का मतलब होता है जैसे कार्टून होता है ना, अब वो इंडिया के अंदर बना हो या अमेरिका के अंदर बना हो, कहीं भी बना हो, उसको कार्टून कहेंगे, एनिमेटेड सीरीज को। बट अगर वो जापान के अंदर बना है तो जैपनीज जो भी एनिमेटेड सीरीज होगी उससे एनिमे कहेंगे, ठीक है, ये बात है। अब ड्रैगन बॉल हो गया, डोरीमोन हो गया, शिनचैन हो गया, और नारुतो हो गया, सारे एनिमे हैं, ठीक है। वैसे ही पोकेमॉन भी है एनिमे, तो अब ये पोकेमॉन एनिमे, ये समझ आ गया, ठीक है। अब बात आती है कि स्टोरी क्या है भाई। ऐश और पिकाचू दो मेन कैरेक्टर हैं जैसे कि तुम्हारे को पता है, ठीक है। अब पहले इसका नाम पॉकेट मॉन्स्टर था पोकेमॉन का, उसके बाद उन्होंने कंपनी ने पोकेमॉन कर दिया, ठीक है। पोकेमॉन का एनिमे भी है, वीडियो गेम्स भी है, वैसे पोकेमॉन गेम्स होती हैं, GBA गेम्स, कोई भी गेम होती है ना, तो होती है कि उसमें स्टोरी वही चलती है गेम्स के अंदर भी लगभग, तो मतलब ये होती है पोकेमॉन गेम्स, कार्ड्स भी ऐसे होते हैं, तो पोकेमॉन के बेस पे ही होते हैं। अगर तुम पता है पिकाचू कौन है, चार्जर कौन है, तो पता लगा तो स्टोरी पता होगी, तो वो सब उसी पे बेस है। और टॉयज इस चीज़ के लिए फेमस है बहुत ज़्यादा, पोकेमॉन मेन एनिमे और वीडियो गेम्स के लिए फेमस है। और वीडियो गेम्स जो है निंटेंडो स्विच के अंदर आती हैं, और पोकेमॉन GBA गेम्स ये सब, और एनिमे तुम्हारे पता ही है पोकेमॉन का आता है TV पे आए, या फिर तुम उस पर देखो, जिस पर टीवी देखो ये, ठीक है, पता चल गया एनिमे और वीडियो गेम्स के लिए फेमस है पोकेमॉन क्या है। अब बढ़ते हैं आगे, अब स्टोरी के ऊपर, सीधा स्टोरी के ऊपर बढ़ते हैं। ऐश और पिकाचू दो कैरेक्टर्स हैं, ठीक है। ये जो स्टोरी है ऐश और पिकाचू पे ही मेन बेस्ड है, प्रोटैगनिस्ट है, मेन प्रोटैगनिस्ट, जैसे होता है ना कि छोटा भीम ही मेन है, वैसे यहाँ पे ये मेन है। डोरेमोन में डोरेमोन नोबिता ही मेन है, वो यहाँ पे ऐश और पिकाचू ही मेन है, ठीक है। ऐश और पिकाचू हैं हेड पोकेमॉन के, हेड सल्यूट। तो अब ये दोनों हैं ऐश और पिकाचू मेन कैरेक्टर्स। अब ये जा रहे होते हैं भाई, कहाँ जाते हैं तुमको, कहाँ जाते हैं, हवा में तो नहीं आते, मतलब इधर उधर ट्रैवल करते हैं, बताऊंगा तुम्हारे को, मतलब अलग अलग रीजन्स के अंदर ट्रैवल करते हैं, ठीक है, इनकी जर्नी पर बेस्ड है। और उस जर्नी के अंदर वो अलग अलग पोकेमॉन्स कैच करते हैं, अलग अलग बैटल्स करते हैं, क्या करते हैं वो बताता हूँ। अब रीजन्स क्या होंगे तुम कहोगे, रीजन क्या चीज़ है भाई, क्या चीज़ होती है रीजन, अब मैं बताता हूँ। ये दिल्ली होती है, दिल्ली जापान कहते हैं, सॉरी दिल्ली पंजाब, और ये सब हम कहते हैं स्टेट्स हैं, ठीक है, गुजरात, अब ये सारी स्टेट्स होती हैं, ठीक है। तो अब इनको हम स्टेट्स कहते हैं, मान लो कि मैं पंजाब से आकर केरल से चला गया, फिर यहाँ दिल्ली में आ गया, दिल्ली यूनियन टेरेटरी है वैसे, ठीक है, और एक्सप्लेनिंग के लिए बता रहा हूँ तुम्हारे को। तो ये तुम कहोगे ना कि स्टेट्स हैं भाई, कभी स्टेट में जाता है, कभी स्टेट में जा रहा है, कभी स्टेट में जा रहा है, तो स्टेट को पोकेमॉन के अंदर रीजन्स कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल कैंटो, जोटो, होएन, सिनो, उनोवा, कालोस, अलोला और गला, ठीक है। तो ये हैं 1, 2, 8 है। अब पाल्डिया आ गया नया वाला, ऐश के बाद आया, वो अभी उसको इंक्लूड नहीं कर पाएंगे,
वन से लेके कैंटो से लेके गलार तक की ये रीजन है, ऐश चपटा है ठीक है। तो अब ये शुरू बहुत सालों से पोकेमॉन एनीमे चलता है, उन्होंने अपनी एनिमेटिंग क्वालिटी भी इम्प्रूव करी और भी बहुत कुछ इम्प्रूव किया, स्टोरी भी इम्प्रूव हुई। तो अब ऐश कहाँ से बिलोंग करता है, ऐश कौन है? ऐश है एक छोटा सा 10 साल का भूलना भाला सा लड़का, और 10 साल का है वो, लेकिन बड़े बड़े ख्वाब देखता है कि मैं पोकेमॉन मास्टर बनूंगा, पोकेमॉन ट्रेनर बनूंगा, अच्छा बहुत कुछ करूंगा, ये सब ख्वाब देखता है ठीक है। कहता है कि मैं देखना बहुत वो बनूंगा, बहुत मतलब बढ़िया बनूंगा ट्रेनर, ये सोचता है। जैसे सब हम ड्रीम करते हैं, हम भी 10 साल में ड्रीम करते होंगे, अभी भी करते हैं, तो वैसे ही ऐश है। अब ऐश जो है वो अपनी मम्मी के साथ रहता है, और एक उसका पोकेमॉन है उसकी मम्मी का मिस्टर माइम, मिस्टर माइम भैया के साथ और ऐश खुद और अपनी मम्मी रहते हैं। अब क्योंकि फादर कहाँ है उसके, फादर उसके मिस्टीरियस कैरेक्टर है पोकेमॉन एनीमे में, वो उनके साथ नहीं रहते, लेकिन है कहाँ है किधर है वो हमें पता ही नहीं है, हमें कब बताया जाएगा वो भी नहीं पता। इस पर काफ़ी थ्योरीज वगैरह बनी हुई है, लेकिन अभी हम उस पर नहीं जाएंगे, फिर अंदर बता रहा पता नहीं है भाई कहाँ होंगे कहीं, तो ये बात है ठीक है। उनको भी कहा जाता है कि बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रेनर होंगे वगैरह, जो उसकी मम्मी बताती है। अब स्टार्ट करते हैं कि चलो ऐश के फादर नहीं, ऐश की मम्मी है, मिस्टर माइम के साथ रहता है ठीक है। अब ऐश की जर्नी ऐसे शुरू होती है। अब क्या होता है, मैं उसकी ये नहीं बताऊंगा, एक दिन सो के उठा ये हुआ ये हुआ ये सब नहीं बताऊंगा। ऐश का एक मेन पोकेमॉन है पिकाचू ठीक है। पिकाचू उससे कैसे मिलता है, हर रीजन के अंदर 3 पोकेमॉन चूज करने होते हैं, जो कैंटो है वाटर, चार्मेंडर, बल्बसॉर। अब 3 होते हैं ठीक है रीजन्स, 3 रीजन्स कह रहे हैं, 3 स्टार्टर पोकेमॉन होते हैं, उनमें से एक चूज करना होता है। लेकिन जब ऐश लेट उठ के जाता है उसको पिकाचू ही मिलता है। पिकाचू पहले उसका दोस्त नहीं होता, झटके वटके उसे देता है, लेकिन बाद में आके उसका अच्छा एक दोस्त बन जाता है। यहाँ से कहानी शुरू होती है और पिकाचू बन जाता है उसका एक बेस्ट फ्रेंड। और अब पिकाचू और ऐश मिलकर डिसाइड करते हैं हम अपने गोल को आगे बढ़ाएंगे। ये होता है मेन इंट्रोडक्शन की पॉइंट के अंदर। अब नेक्स्ट के ऊपर बढ़ते हैं। अब यार ये जो ऐश और पिकाचू होते हैं वो अलग अलग रीजन्स जाते हैं, अलग अलग दोस्त बनाते हैं, बैटल्स करते हैं, बहुत कुछ करते हैं, सबको अपने बेस्ट फ्रेंड बनाते हैं। सब ऐश को कहते हैं वेरी नाइस भाई, तुम बहुत बढ़िया हो, बहुत जुनून है तुम्हारे अंदर। अपने पोकेमॉन को स्ट्रॉन्ग बनाता है ऐश। ऐश की क्वालिटी होती है वो कई पोकेमॉन पकड़ता है, कई फेमस पोकेमॉन भी उसके, जैसे ऐश का टाइगर, ऐश का ग्रेनिंजा, बॉन्ड ग्रेनिंजा, वीमू पिकाचू। अब तुम कहोगे वीमू ये क्या है, वो थ्योरी वगैरह लग है, मैं बाद में बताऊँगा तुम्हारे को, ये सब है ठीक है। तो ये सब है, यही मेन बात है ठीक है। अब आगे बात आती है ठीक है पोकेमॉन की। अब स्टोरी आगे कॉन्टिन्यू होती है, तो उसके अंदर क्या होता है, से ऐश ने बहुत सारे पोकेमॉन कैच करे हैं ठीक है। तो अलग अलग जिम बैटल्स होती हैं, तो जिम बैटल्स करते हैं, ऐश जिम बैटल्स जीत जाता है ठीक है, एक या दो ही मुश्किल से हारा होगा तो बाकी जीत जाता है, सब में जीत जाता है। और बैच मिलते हैं उसे जिम बैच चैंपियनशिप में मुकाबला करने के लिए, यहाँ पर जिम बैच लगते हैं और वो जीत जाता है। और उसके बाद उसको मिल जाता है कि वो चैंपियनशिप में भाग ले। अब ऑरेंज लीग में सिर्फ जीता है और किसी में नहीं जीता, और लोला में और गलार में बाद में जीतता है जो होता है ठीक है ना, मतलब वो किसी में भी चैंपियनशिप में जीतता नहीं है, किसी स्टेट रीजन का चैंपियन नहीं बनता, स्टेट मान लो रीजन का चैंपियन नहीं बनता। अब जो ऐश है वो किसी भी रीजन का चैंपियन नहीं बनता, ऑरेंज लीग बस जीत जाता है, बाकी किसी रीजन का चैंपियन बनता अलोला रीजन तक। अलोला में जाके अलोला का चैंपियन भी बनता है ऐश, और फिर आता है वो 8th सीजन में गलार रीजन में वर्ल्ड चैंपियन, जिसमें बनता है। वो कैसे बनता है, 8 की 8 सबसे स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन वर्ल्ड के ट्रेनर्स आए होते हैं ठीक है। अब उनसे बैटल कर रहा होता है ऐश, मतलब सबसे जीत जाता है। फिर लास्ट बैटल होती है लियोन भैया के साथ। लियोन जो है सबसे ज़्यादा ताकतवर है और वर्ल्ड चैंपियन है 25 सालों से ठीक है, 25 सालों से हाँ, तो वर्ल्ड चैंपियन है। अब उसको बीट करना तो भाई बहुत मुश्किल है, पर ऐश जो है उसको बीट कर देता है अपने जीमो पिकाचू के साथ, और बन जाता है नया सबसे यंगेस्ट आज तक का वर्ल्ड चैंपियन। तो इससे हमारे को ये सीख मिलती है कि अभी हार नहीं माननी चाहिए और हमेशा कोशिश करते रहना चाहिए। ऐश पर सब प्राउड फील करते हैं, फक्र होता सबको ऐश पर, और यही होती है मेन स्टोरी लाइन जो मैंने तुम्हें बताई। बीच में बहुत सारे मुकाबले करता है, टीम रॉकेट से लड़ता है, और भी बहुत सारी चीज़ें करता है, एडवेंचर्स करता है, मतलब किसी की हेल्प कर रहा है, कभी कभी किसी एडवेंचर जा रहा है, बीच में मूवीज़ भी होती हैं। तो मतलब स्टोरी ऐश की स्टोरी में एक चीज़ अच्छी है कि सिर्फ ये नहीं है फाइट करनी है जी जीत गए हो गया जी ख़त्म, ऐसा नहीं है कुछ। लोगों की हेल्प करना सिखाया है ऐश की उसने उस स्टोरी ने, नई नई चीज़ें बताई, फ़नी भी है, बीच में फ़नी मूवमेंट्स भी आते हैं, मोटिवेशनल भी है, और काफ़ी एडवेंचर्स भी करे तो कभी बोरियत नहीं होती अगर तुम शुरू से देख के अभी तक देखोगे।
तो मैंने तुमको मेन स्टोरी बता दी, तुम्हें अब समझ आ जाएगा कि क्या है। और टीम रॉकेट में जैसे ही जेम्स और मियाओत होते हैं, मियाओत बोल सकता है मेरी तरह, तो मेरी तरह ही बोल सकता है। बट ये बात है कि जो तीनों टीम रॉकेट सारे मेंबर्स को हमेशा ऐश वो करता है, बाय बाय टाटा भाई जाओ, और यही लड़ाई करते रहते हैं। और फिर ऐश जो होता है अच्छा इंसान होता है, तो टीम रॉकेट को हमेशा हराया था, टीम रॉकेट हमेशा परेशान हो जाती है, और ऐसे करके ऐश हमेशा जीत जाता है टीम रॉकेट से भी। तो बस दोस्तों यही थी आज की वीडियो, और अगर मेरे को उम्मीद है तुम्हें बहुत कुछ समझ आ गया होगा। अब तुम कोई फैक्ट या पोकेमॉन गेम देखोगे तो मेरे को समझ आ जाएगा कि ये इसी पे बेस्ड होता है मेन, ठीक है। एडिशनल की बात करें तो बहुत सारे फिनोमिनाज होते हैं पोकेमॉन के, बहुत सारे टाइप्स होते हैं पोकेमॉन के, वो भी तुम्हारे को तुम सर्च करोगे, तुम देखोगे वीडियो। मेरे चैनल पे भी मैंने काफ़ी वीडियो बनाई हैं पोकेमॉन के फैक्ट्स, थ्योरीज, गेम्स, तुम्हें बहुत इंटरेस्टिंग लगेगी। तो अब तुम ये नहीं कह सकते कि हाँ, और अगर तुम्हें कुछ पता समझ ना आया हो या कुछ पूछना, कमेंट सेक्शन पूछना। और कैसी लगी वीडियो, अच्छी लगी, बहुत अच्छी लगी, बेकार लगी, सब तुम मेरे को बता सकते हो। तो बस दोस्तों थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और तुम जितनी भी चैनल की वीडियोज़ हैं जरूर से देखना, और होप तुम इन्जॉय करो। बाय बाय टाटा, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।